फ्रेंड्स, तत्व चिंतन फार्मा के तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट आ गए और आज रिजल्ट से पहले सुबह सुबह हमको इस शेयर में 5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर साल दर साल तो रिजल्ट बहुत ही शानदार है, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस रिजल्ट की वजह से इस शेयर में कल हमको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, अब देखो पिछले साल 80 करोड़ की रेवेन्यू थी, वो बढ़कर 104 करोड़ आई, मगर अब देख सकते हो पिछले क्वार्टर में ये रेवेन्यू 123 करोड़ के आसपास थी, यानी कि Q1Q रेवेन्यू घट कर आई। और प्रॉफिट फ्रेंड्स देखो, पिछले साल 20 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़कर 22 करोड़ आया, मगर पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ था। तो ओवरऑल अभी जिस भाव पर ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं उस लिहाज से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कल इस रिजल्ट की वजह से अच्छी खासी हमको शेयर में गिरावट शायद देखने को मिल सकती है।